हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम जो दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग पढ़ रहे थे उसमें आज हम रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय संक्रियाएं। और दोस्तों, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आज वाली क्लास अगर आप अच्छे से देखते हो, थोड़ी देर भी अच्छे से देखते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है और पेपर में एक क्वेश्चन आपका फिक्स होगा जो आप 100% सोल्व कर पाओगे। देखिए, बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन बस है एक बार सीखना होता है। और अगर स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेते हो तो फिर कोई भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि आंखों में है सपना, दिल में है अरमान। आंखों में है सपना, दिल में है अरमान, छोटी सी है जिंदगी, ऊंची बहुत है उड़ान। समझ रहे हो? तो आपने दिल्ली पुलिस की जो उड़ान भरने की सोची है ना, वो बहुत ऊंची उड़ान है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। देखिए, मैं बताता हूं, यहां तक मान लो ऊंची उड़ान है दिल्ली पुलिस की। कुछ स्टूडेंट यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पर रुक जाएंगे, कुछ यहां पर रुक जाएंगे, कुछ यहां पर रुक जाएंगे, कुछ यहां पर रुक जाएंगे, और बहुत कम होंगे जो इसको पार करेंगे, ठीक है। यानी दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी जो पहनेंगे, तो उसके लिए बहुत ऊंची उड़ान है। उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका सपना है उसको पूरा करने का आपका अरमान भी होना चाहिए, मेहनत करने का जुनून जज्बा भी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, मोटिवेशन बहुत हो चुका, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आपने पेपर दिया होगा या प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे या आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन है वो पेपर में आता है। क्या है, देखिए क्या है कि यदि प्लस भाग, प्लस तथा भाग, गुना तथा घटा को समीकरण इतने में बदल दिया जाए तो इसका मान क्या होगा। इसका मतलब है कि जहां पर प्लस का निशान है वहां पर भाग का निशान करना है, जहां पर गुना का निशान है वहां पर घटा का निशान करना है, और जहां पर घटा का निशान है वहां पर गुना का करना है, और जहां पर भाग का है वहां पर क्या करना है, प्लस का निशान करना है। इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, हम उसको लिख लेते हैं ताकि हमें बदलने में आसानी हो जाए। तो क्या भाई, 17 हो गया, भाग में 7 है आपका यहां पे, ठीक है। उसके बाद माइनस का 27 है, ओके। उसके बाद प्लस का 9 और गुना में 3 है, ठीक है। ये बात समझ गया। अगर आपने बोर्ड मास वाली क्लास देखी होगी, बोर्ड मास वाली मैंने अपने टेलीग्राम पे दोबारा भी शेयर की थी अभी कुछ दिन पहले ही, बेसिक क्लास के साथ हमने करवाया था, और जिसने नहीं देखी देख लेना, मैं आपके जो टेलीग्राम है अपना उस पर दोबारा शेयर कर दूंगा, जिसको देखना है देख लेना। अब बोर्ड मास क्या रूल होता है, इसका मतलब होता है इसको सोल्व करने का तरीका कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले अगर यहां पर बात करें, बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन यानी भाग सोल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन यानी गुना सोल्व करेंगे, एड सोल्व करेंगे और घटा सोल्व करेंगे, ऐसे आपको करना होता है। इसका मतलब ये होता है, तो इससे याद रह जाता है कि पहले किसको सोल्व करना है। तो यहां पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले आपको किसको सोल्व करेंगे, हम इसमें सबसे पहले सोल्व करेंगे भाग को। तो अगर हमने भाग को यहां पर सोल्व किया तो डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर बोला है बदलाव के लिए बोला है कि प्लस के स्थान पर भाग करना है। तो जहां पर भी आपको प्लस दिखाई देता है वहां पर भाग कर दीजिए। अपने को ये प्लस दिखाई दे रहा था, हमने यहां पर भाग कर दिया। यहां पर भाग दिखाई दे रहा था, यहां पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि भाग के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर भाग। उसके बाद गुना के स्थान पर घटा करना है और घटा के स्थान पर गुना करना है। तो यहां पर अपने को क्या करना है, घटा करना पड़ेगा, यहां पर अपने को क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। ऐसे एक बार साइन चेंज होने के बाद फिर अपने को इसको अप्लाई करना है। तो चलो अब इसको अप्लाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, भाग सोल्व करेंगे। तो भाई 27 है, 27 को अगर 9 से भाग देते हैं तो काट के देख लो या भाग देके देख लो, 9 3 27 आता है। तो यानी इस पूरे के जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हमने यहां पर 3 लिख दिया। इधर क्या है, माइनस में 3 है, इधर क्या है, गुना में 7 है, ठीक है, और प्लस में 17 प्लस 7 है। देखिए ध्यान से देख लेना, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन बहुत जल्दी करोगे
बहुत ही आसान आपको लगने लग जाएगा। इसके बाद क्या करना है, भाग के बाद मैंने क्या बताया था, देखिए डिवीजन के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो यहां पर गुना करो, 7 गुना 3 क्या हो गया, 21 हो गया, यानी इनके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 17 प्लस 21 माइनस के 3। अब क्या करना है, अब क्या करना है, जोड़ना है, एडिशन करना है, तो जोड़ लीजिए 17 और 21 कितना हो गया 38, और 38 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 35 यहां पर हमारा आ रहा होगा, तो यहां पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर है वो आपसे भी स्मार्ट है, उसने डी है ना ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिया गया, ये जो डी है ना वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, कभी कभी ऐसे दे देता है, वरना एबीसीडी डेक जो ऑप्शंस देगा ना तब तो अपना 35 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब अपने को चेक करना है क्योंकि ये दिया हुआ है और ऑप्शंस आपको अलग से दिए गए हैं, तब अपने को चेक करना है 35 कौन से में आ रहा है, डी कौन से में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना कि डी होगा। ठीक है, समझ में आ गया, और पहले तो ये समझो, ये सोल्व करोगे तभी तो वो आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो साइन चेंज करने के लिए बोला था उसको हमने कर दिया, उसके बाद हमने भाग को सोल्व किया तो कितना आ गया अपना 3 आ गया यहां पर, फिर हमने इसको इसको गुना किया तो कितना आ गया 21 आ गया। अब क्या करना है, जोड़, और 21 और 17 कितना होता है 38, और माइनस का 3 है तो 38 माइनस 3 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो अपना किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऐसे अपने को करना है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। स्टार्टिंग के 3 तो अच्छे से देख लो, फिर तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये वाला देखो, देखिए ऑप्शंस क्या है, बटे में भी है और इस तरीके से भी है, हम हर चीज के लिए तैयार करने वाला हूं मैं आपको कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल के क्वेश्चन आ जाए। अभी तो ये पहली क्लास है ना, एक एक क्लास में आपको करवा रहा हूं हर चैप्टर की, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे ही एक बार समाप्त हो जाएगा ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो एसएससी के जबरदस्त पेपर में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे, समझ रहे हो, जैसे सीजीएल का हो गया, सीपीओ का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहले को अपना बेस तैयार होना चाहिए, मैंने आपसे बोला है कि अगर 30 क्लास अगर आप लेते हो रीजनिंग की, तो आप रीजनिंग में बहुत ही शानदार स्कोर करने लग जाओगे, आप चैंपियन बनना स्टार्ट कर दोगे रीजनिंग का, सिर्फ 30 क्लास, ठीक है। और आपको पता मैं बहुत बड़ी क्लास रीजनिंग की नहीं लेता हूं। देखिए ये क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि यदि गणितीय चिन्ह प्लस का अर्थ है भाग, घटा का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है घटा, भाग का अर्थ है जमा, तब आपको बताना है इस जो ये दिया हुआ है इक्वेशन या समीकरण दिया हुआ है इसका क्या आंसर होगा। चलो सबसे पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे तो क्या हो गया 11 गुना 7, ठीक है 11 गुना 7 जमा में 21 दिया हुआ है अपना, गुना में क्या दिया हुआ है 2 दिया गया है, भाग में 2 दिया गया है, फिर भाग में 3 दिया गया है, और माइनस में 4 दिया गया है। अब अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना, बस साइन चेंज करना है, प्लस के स्थान पर भाग, जहां जहां पर प्लस दिखाई देता है भाग लिख दीजिए, तो हमने यहां पर प्लस के स्थान पर भाग लिख दिया है, ठीक है, और कहीं पे प्लस है नहीं है। दूसरा देखो, घटा का अर्थ है गुना, जहां पर घटा दिखाई दे गुना लिख दीजिए, सिर्फ यहां पर घटा है तो यहां पर हमने गुना लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, गुना का अर्थ है घटा, जहां पर गुना दिखाई देता है वहां पर घटा लिख दो, ये दो जगह पे गुना है तो दो जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहां पर घटा लिख दिया, घटा ठीक है, गुना का अर्थ है घटा, भाग का अर्थ है जमा, जहां पर भाग दिखाई देता है जमा कर दो, तो ये भाग है यहां पर जमा करना है, ये भाग है यहां पर जमा करना है। देखिए एक गलती मत करना जो स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कि ये जो हमने साइन चेंज किया है ना, ये भाग दिखेगा उसको भी कर देंगे जमा, नहीं भाई एक बार साइन चेंज करना है, ऐसे नहीं फिर तो करते रह जाओगे, प्लस के स्थान पर भाग कर दो, भाग के स्थान पर प्लस कर दो, ऐसे करते ही रह जाओगे, सिर्फ एक बार साइन चेंज करना है। अब सोल्व करना है, तो सोल्व करने का क्या तरीका बताया था, सबसे पहले आपको भाग सोल्व करना है, तो भाग सोल्व करेंगे तो ये 21 है वो इसके बटे में आ जाएगा, 21 यहां से बटे में आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा तो बटे में लिख देते हैं, बटे का मतलब ही भाग होता है, हमने पिछले में भी आपको बताया था, तो ये यहां से हट चुका है। अब इसको काटो तो क्या हो जाएगा भाई, 7 एकम 7, 7 21, तो इसके स्थान पर हम 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो अगर दिक्कत नहीं है तो 1/3 इसके स्थान पर हमने लिख दिया,
तो जैसे ही भाग सोल्व हो गया उसके बाद क्या सोल्व करना है अपने को, गुना सोल्व करना है। तो गुना सोल्व करेंगे तो 4 × 3 कितना होता है 12। तो यहां पर इन दोनों के स्थान पर 12 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो 12 हमने यहां पर लिख दिया है। अब देखिए क्या है, अब आता है मेन मुद्दा। अब क्या करना है आपको बताया कि जोड़ करना है, तो अब यहां पर जितने भी जोड़ जोड़ के हैं उनको जोड़ लो और उसमें से घटा वाला घटाना आपको पड़ेगा। तो यहां पर 12 और 2 क्या है भाई, प्लस का 12 है प्लस का 2 है तो कितना हो गया 14 हो गया। तो यानी इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं प्लस का। तो ये प्लस का क्या है 14 है, यहां पर हमने लिख दिया। ये वाला जिसके सामने कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब वो क्या है प्लस का है, इसका मतलब क्या है भाई प्लस का है। तो इसको और इसको जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस प्लस वालों को अपने को जोड़ना चाहिए कितनी ही दूर हो, ठीक है। तो प्लस प्लस वालों को हमने जोड़ा तो 11 और 14 कितना हो गया 25, और माइनस में 1/3 और माइनस में 2 है। अब इन सब का एलसीएम ले लीजिए और अपना सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 लिख दो, 3 आ गया, यहां से कितना आ गया 25 30 75, माइनस में 3 × 3 और माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 7 हो गया। तो कितना आ जाएगा भाई 75 − 7 और बटे में 3, और 75 में से अगर 7 माइनस करें तो 5 तो ये हो गया और 2 और कम कर दो 68/3 आ जाएगा अपना प्लस का, ठीक है 68/3 आ जाएगा। अब ये कौन से में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, लेकिन ए वाला किस में है ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस वजह से आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या बात, सभी स्टूडेंट समझ गए, क्या कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से किसी को बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, बताओ कहां पर दिक्कत है, नहीं है ना। बस यहां पर ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो पेपर में आते हैं, जैसे पेपर में आते हैं और जैसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो सोल्व किया, तरीका पता चल गया, गलती कहां पर होती है वो सारी चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूं। इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन है, उसके बाद आपको खुद निकालना स्टार्ट करना है। समझाऊंगा मैं, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, लेकिन निकालना क्या है भाई अपने आप है, आप खुद निकालोगे तभी आप चैंपियन बनोगे, इस बात को नोट कर लेना, समझ रहे हो। देखो क्या है, यदि प्लस का अर्थ है घटा, घटा का अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है जमा और गुना का अर्थ है भाग। तो आपको बताना है इस समीकरण में क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों हमें समीकरण लिखना है, तो 10 × 5 हम लिखेंगे यहां पर, भाग में 3 दिया गया 3 लिखेंगे, माइनस में 2 और प्लस में 3 दिया गया है। अब जैसे जैसे बोला है उसको हमें चेंज कर देना है, अपनी बात बन जाएगी, क्या बन जाएगी अपनी बात बन जाएगी कि प्लस का अर्थ है घटा, तो जहां पर भी आपको प्लस दिखाई दे रहा है घटा लिख दीजिए, ये वाला प्लस है यहां पर घटा लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, घटा का अर्थ है गुना, जहां पर घटा दिखाई दे रहा है वहां पर लिख दीजिए गुना। उसके बाद क्या है, भाग का अर्थ है जमा, तो जहां पर भाग दिखाई दे रहा है वहां पर लिख दीजिए जमा, और गुना का अर्थ है भाग, जहां पर गुना दिखाई दे रहा है वहां पर लिख दीजिए भाग। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और स्मार्ट होने के चक्कर में, ज्यादा स्मार्ट होने के चक्कर में गलती कर देते हैं। इसमें अगर देखोगे आप तो भाई प्लस का भाग से रिप्लेस हो रहा था, तो वही भाग का प्लस से रिप्लेस हो रहा था, यानी एक दूसरे का अल्टरनेटिव था कि अगर प्लस का भाग बन रहा है तो भाग का प्लस। तो वो स्टूडेंट इन चीजों को रट लेते हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ते, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में वो गलतियां कर देते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, प्लस के स्थान पर घटा है तो घटा के स्थान पर प्लस नहीं है, गुना है। भाग के स्थान पर जमा है तो क्या है कि यहां पर गुना के स्थान पर भाग है, एक जैसे नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा, अल्टरनेटिव नहीं है, बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ना है, उसमें क्या बोला गया है वो ही आपको देखना है, ठीक है भाई। मैंने बोला है कि आपको चैंपियन बनाना है, आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दिलवाना है, खाकी वर्दी पहनानी है, तो एक भी छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब बस क्या करना है, सोल्व करना है, इतने तो आप स्मार्ट बन चुके हो। अब क्या है, भाग सोल्व करेंगे, 5 × 10 2 आ गया,
में अब क्या करना है, गुना तीन दूनी छह आ गया माइनस का तीन, जोड़ जोड़ का जोड़ दो तो आठ हो गया, आठ माइनस तीन कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा। अब ये पांच किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इस बार पिछली बार वाला झंझट नहीं है कि ए बी सी डी वाला अलग था फिर ऑप्शन चेक करने थे, तो ऐसे भी आता है, हर तरीके से आता है। अब देखो तीन क्वेश्चंस मैंने क्यों बोला, तीन क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या चीजें सिखाई, अगर वो सीख गए आप कोई नहीं छोड़ोगे। पहली चीज की ये अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्लस का घटा है तो घटा का प्लस ही होगा, यहां पर मैंने आपको सिखाया, पहली चीज हमने सीखी। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल सिंपल आ सकते हैं इस तरीके से, इसमें हमने क्या सीखा, इसमें सीखा कि अल्टरनेटिव भी हो सकता है, साथ में क्या है कि ऑप्शंस अलग अलग दिए हो सकते हैं, ठीक है, फिर उन ऑप्शंस का अलग अलग ऑप्शंस चेक करना है कि भाई जो लिखा हुआ है वो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शंस आपके फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से सीखी है। अब क्वेश्चन नंबर चार आप खुद करके देखो क्या आप कर पा रहे हो। देखो अपना चार नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, तो ये प्रैक्टिस में आपको करवाने वाला हूं, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ भी देने वाला हूं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर बुक्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाती है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो क्या है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, घटा का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है घटा और भाग का अर्थ है जमा, तो आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। क्या आप नहीं कर सकते भाई, आसानी से कर दोगे मुझे पता है, मैं लिख रहा हूं ना तब तक आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। बड़ी स्पीड से आपको करना है, बड़ी ही स्पीड से करना है, ठीक है, समय आपको नहीं लगाना, बस अपने को अब चेंज करना है। प्लस का अर्थ है भाग, तो जहां पर प्लस दिखा हमने भाग कर दिया, घटा का अर्थ है गुना, घटा दिखा वहां पर हमने गुना कर दिया, गुना का अर्थ है घटा तो गुना दिखा वहां पर घटा कर दिया, भाग का अर्थ है जमा, जहां पर भाग दिखा वहां पर हमने जमा कर दिया। अब यहां पर भाग दिया तो कितना आ गया, सात पंजे पैंतीस पांच आ गया, पांच गुना पांच कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा, प्लस में पांच और माइनस में छह है, पच्चीस और पांच तीस, तीस में से छह गया कितना बचा चौबीस बचेगा, जो किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और मुझे पता है कि मेरे चैंपियंस जिसने यहां तक क्लास देखी थी, तीन क्वेश्चन जिसने सीखे थे, उसने इसका आंसर कर दिया होगा और उसको ये बिल्कुल ही आसान लगा होगा, क्योंकि जिस लेवल के हमने सीखे हैं उससे ये क्या होने वाला है, बिल्कुल ही आसान होने वाला है। यही आपका पेपर का लेवल होने वाला है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन सोल्व करिए, देखिए मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता, रीजनिंग की 30 क्लास बोलिए, इसका मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट कर दूं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करोगे, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, तीन क्वेश्चन सिखाऊंगा उसके बाद आप चाहो तो क्लास छोड़ के जा सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाती है। और फिर अगर आप हमारे साथ थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पूरी क्लास को देख सकते हो, कुछ नई चीजें आप सीख पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर पूरी देखोगे तो कुछ ना कुछ नई चीज सिखाऊंगा मैं आपको, ये फैक्ट है। लेकिन आपको क्या करना है, जितनी ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इस बात को आप नोट कर लेना, लिख लेना, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, ये वाला है, अब इस वाले को देखो, मुझे पता है मैंने इतनी बात आपसे बात की है ना, इतने में आपने सोल्व कर दिया होगा, प्लस दो गुना का पांच और माइनस का आठ है, साइन चेंज करो और आंसर निकालो, बस और कुछ नहीं है। क्या करना है अपने को, साइन चेंज करना है और आंसर निकालना है। तो क्या है भाई, घटा को जमा, तो जहां पर घटा दिख रही है जमा कर दो भाई, यहां पर घटा दिख रही है हमने जमा कर दिया, उसके बाद जमा को भाग, जहां पर जोड़ दिख रहा है अपने को वहां पर भाग कर देना है, भाग कर दिया, उसके बाद क्या है गुना को घटा, जहां पर गुना दिख रही है वहां पर अपने को घटा करना है तो मैंने यहां पर घटा कर दिया, और भाग को गुना में बदल दिया गया तो ये जो भाग दिख रहा है इसको हमने गुना में बदल दिया। सोल्व करते हैं, स्मार्ट तरीके से सोल्व करेंगे। अब अपने को स्टेप नहीं बनाना, अब अपने को क्या करना है, अपने को स्पीड बनानी है। क्या करनी है दोस्तों, अपने को स्पीड बनानी है। तो स्पीड बनानी है तो कैसे करेंगे भाई, यहां से डायरेक्ट करो, आठ को दो से भाग देंगे चार, तो इन दोनों के स्थान पर चार लिख दें, ओके,
ठीक है। अब क्या करना है, गुना करना है, गुना होगा तो 6 गुना 4 कितना हो गया, 24 हो गया, तो इन दोनों के स्थान पर 24 लिख दें, ओके। अब क्या करना था, मैंने बताया था प्लस प्लस वालों को जोड़ना है, तो ये इसको और इसको जोड़ो, तो 24 8 कितना हो गया 32, और 32 माइनस 5 कितना होता है भाई 27 होता है, तो यहां पर अपना 27 आंसर आ जाएगा, जो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या सभी को समझ में आ गया, और समझ में नहीं, क्या सभी का सोल्व हो गया, समझा तो मैं चुका हूं, सोल्व हो गया होगा, अगर फिर भी अगर आपका रह जाता है किसी का तो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो। देखिए क्या है कि यदि प्लस का अर्थ है गुना, ठीक है, प्लस का अर्थ है आपका गुना, घटा का अर्थ है भाग, और गुना का अर्थ है घटा, तथा भाग का अर्थ है जमा, तो डीमन समीकरण को सोल्व करना है। अब करो, चलो करते हैं, चलो दोनों मिलकर करते हैं, आप भी करिए मैं भी आपको करवाता हूं, और अपना निकलेगा, क्या करेगा भाई, आसानी से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो संदीप महेश्वरी सर का सुना हुआ है ना भाई, मिलेगा, इतना मिलेगा, आपने सोची नहीं होगी, ठीक है, लेकिन खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी तो बनो, पक्के खिलाड़ी तो बनो, तो रीजनिंग के खिलाड़ी बन जाओ, पूरा का पूरा स्कोर मिल जाएगा रीजनिंग में। चलो सोल्व करो, क्या करना है, चेंज करना है, तो सबसे पहले चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं दोस्तों, प्लस का अर्थ है गुना, जहां पर प्लस दिखाई दे रहा है अपने को गुना करना है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, उसके बाद देखो घटा का अर्थ है भाग, जहां पर घटाई दिखाई दे रहा है वहां पर लिख दीजिए भाग, ओके कर दिया हमने, उसके बाद क्या है, भाग का अर्थ है जमा, जहां पर भाग दिखाई दे रहा है वहां पर लिख दीजिए जमा, और जहां पर गुना दिखाई दे रहा है वहां पर लिख दीजिए घटा, तो ये जो गुना है वहां पर लिख देते हैं घटा। अब सोल्व करते हैं, सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, तो 64 को अगर 8 से भाग देंगे, अंठे अंठे 64 होता है, यानी इनके स्थान पर हम 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, तो हमने यहां पर 8 लिख दिया। उसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को करना है दोस्तों गुना, तो 8 छिके क्या होता है 48 होता है, तो इन दोनों के स्थान पर हम 48 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अपने को जोड़ करना है और घटाना है, तो जोड़ेंगे 8 5 कितना होता है 13, और 8 1 9 हो गया, और माइनस का 8 है भाई, 3 तो ये माइनस हो गया, और 90 में से 5 और माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा अपना 85 हो जाएगा, तो 85 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बताओ चैंपियन, समझ में आया, सोल्व कर पा रहे हो, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, ठीक है, अब ये देखो इसका आंसर क्या करना है अपने को, कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन अच्छा है, उसमें थोड़ा सा बदलाव है, डायरेक्ट लिख देता है, बाकी कुछ नहीं है, सेम है, लेकिन अगर लिख देगा तब कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ मैं सोल्व कर पा रहा हूं, और मुझे भी पता चले कि आप सोल्व कर पा रहे हो। जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं उतना ही ज्यादा मुझे मजा आता है अगली क्लास और बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, तो आपको और बेहतरीन देना है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकालो, ताकि मुझे भी पता चले स्टूडेंट सीख रहे हैं, उनके अंदर भी जुनून जज्बा है सीखने का। अब ये देखो, अगर थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, बस थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, क्या बदलाव किया गया है, यदि क्यू का अर्थ है एड टू, जे का अर्थ है मल्टीप्लाई बाई, अब देखो यहां पर प्लस माइनस नहीं लिखा गया, अब एड टू बोल दिया गया, इसका मतलब है कि भाई जोड़ना है यहां पर, मल्टीप्लाई का मतलब है कि यहां पर गुना करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है यहां पर घटाना है, और डिवाइड का मतलब होता है यहां पर भाग करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिखते हैं, अपने को जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिखते हैं, वो क्या है 30k 2q, ठीक है, 3j, उसके बाद है 6t और 5, समझ रहे हो, ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है, बस चेंज करना है जैसे जैसे बोला, बाकी कुछ नहीं है,
यहां पर बोला Q का अर्थ है जोड़, जहां पर Q दिखाई दे रहा है जोड़े लिख दो, ये हमने जोड़े लिख दिया क्योंकि एड टू का मतलब समझ लो, जिनको इंग्लिश भी नहीं पढ़नी ना भाई इतना तो सीख लो, ठीक है, एड का मतलब बाकी छोड़ो आप समझ लो, एड का मतलब होता है जोड़ना, तो यहां पर हमने जोड़ लिख दिया, Q के स्थान पर जोड़ लिख दिया। आ गया J के स्थान पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना, जहां पर J दिखाई दे रहा है वहां पर गुना लिख दो, तो हमने यहां पर गुना लिख दिया। उसके बाद क्या है, टी का अर्थ है सब्ट्रैक्ट, जहां पर टी दिखाई दे रहा है वहां पर घटा लिखनी है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, घटा लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि के का अर्थ है डिवाइड, जहां पर के है वहां पर भाग लिख देंगे, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया है, भाग लिख दिया, ठीक है। अब बस क्या करना है, सोल्व करना है, बस लग रहा था अगर पेपर में आ गया, ठीक है, मैंने बोला था ना लास्ट तक देखोगे तो कुछ नई चीज सीखोगे, बाकी तो सेम है, जो पहले सीख चुके वो ही है, बस ऐसे लैंग्वेज आ जाए तब कैसे लिखने हैं वो सिखाना था। सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर 30 को 2 से भाग करें 15 लिख सकते हैं, 15 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, गुना 6 गुना 3 कितना हो गया 18, तो यहां पर हम 18 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 18 और 15 33, और 33 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, 5 33 होता है, तो 28 अपना आंसर आ जाएगा, जो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्या बात समझ में आ गई, सॉल्यूशन समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर डायरेक्ट बोल देगा, देखिए पिछली बार हर जगह प्लस माइनस था पिछले क्वेश्चन में, इसमें क्या कर दिया गया, क्यू क्यू पी आर एस ये लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो क्या करना है, चेंज करना है बस। अब ये क्वेश्चन समझा देता हूं, 16 क्यू 12 पी 6 आर और 5 ये 5 एस और साथ में 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बस क्या करना है, इसको चेंज करना है, तो चेंज करेंगे, पी है वो भाग का सूचक है, जहां पर पी दिखाई दे रहा है भाग लिख दो, चलो हमने यहां पर भाग लिख दिया। क्यू है गुना का सूचक है, तो जहां पर क्यू दिखाई दे रहा है गुना लिख दीजिए, ओके। आर है वो प्लस का सूचक है, आर के स्थान पर प्लस लिख दिया हमने, जोड़ लिख दिया। एस है वो घटा का सूचक है, तो एस के स्थान पर हमने घटा लिख दिया। अब क्या करना है, बस सोल्व करना है, सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, भाग, तो यहां पर भाग अगर हम सोल्व करेंगे तो इन दोनों के स्थान पर 6 दुनी 12 2 लिख सकते हैं, 2 लिख दिया। फिर गुना सोल्व करना है, तो 16 दुनी क्या होता है 32, तो इन दोनों के स्थान पर 32 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। 32 5 37 हो गया, और 37 में 3 गया तो सॉरी 37 में से 4 गया, तो कितना बचेगा अपना 33 बचेगा, तो 33 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। क्या सभी को बात समझ में आ गई, अगर यहां पर आपको एड टू इंग्लिश में लिख के दे दे, मल्टीप्लाई लिख के दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख देंगे। यहां पर केपी कुछ भी लिख दे, क्योंकि देखिए पिछले क्वेश्चंस में नहीं था, प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग यही था, इसमें आपको और कुछ दिख गया, जे दिख गया, के दिख गया, इसमें आपको पी क्यू आर एस दिख गया, तो मतलब कुछ भी आ जाए, सभी का मतलब एक ही है कि इनके स्थान पर जो जो बोला वो चेंज करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, एन पी एम पी ये लिखा हुआ है, तो क्या करोगे आप, सोल्व करोगे और सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर निकालोगे। और मुझे पता है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, थम्सअप कर देना कि हाँ सर जी समझ में आ गया, ठीक है। और दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जिससे क्या होता है, जिससे जोश जुनून जज्बा सब कुछ इंक्रीज होता है और मजा आ जाता है सभी को, आपको भी हमें भी, आपको भी लगता है कि हाँ मैंने सीखा है, सोल्व कर पा रहा हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्वेश्चंस को सोल्व करने की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तैयारी करने का मन और अच्छे से होगा। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, और हमें भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट को क्लास पसंद आ रही है, तो हम अगली क्लास और जज्बे और जुनून के साथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।